अस्सलामुअलैकुम डियर सिस्टर्स, आप सबको एक बार फिर से वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल इनसाइटली में। हमेशा की तरह इसी दुआ, उम्मीद और यकीन के साथ कि मेरी बहनें जहाँ होंगी खुश होंगी, अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रही होंगी। अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों के नसीब अच्छे करें। तो जी, जैसा कि सिस्टर्स आप देख रही हैं, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल लेटेस्ट फ्रॉक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। जैसा कि सिस्टर्स, अब सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में मोस्टली कोशिश की जाती है कि जो हमारे मोटे स्टफ़ के कपड़े होते हैं उन पे भी कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर ली जाए। अगर हम सिंपल ट्राउज़र्स एंड शर्ट स्टिच करवाते हैं तो जी अच्छी नहीं लगती है, कोशिश की जाती है कि फ़्रॉक ही सिलाई करवा ली जाए। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत 90+ फ्रॉक के डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इनमें से आपको बताती चलूँ कि आपको गोटापट्टी वर्क फ्रॉक डिज़ाइंस भी देखने को मिलेंगे, आपको लेसेस फ्रॉक डिज़ाइन भी देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा आपको चुनर्स फ्रॉक के डिज़ाइंस, प्लेट फ्रॉक के डिज़ाइंस, ओपन फ्रॉक के डिज़ाइन, शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। इट्स मीन ये वीडियो आपकी फ्रॉक की सारी रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर पूरा कर देगी। शर्त ये है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि सिस्टर समटाइम ऐसे होता है कि जो डिज़ाइंस आप स्टार्ट में देख रही हैं अगर वो आपको अच्छे नहीं लग रहे तो सिस्टर्स मैंने पूरी वीडियो में इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस ऐड किए होते हैं, अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगी तो मुझे यकीन है कि आपको कोई ना कोई डिज़ाइन ज़रूर अच्छा लग जाएगा। तो फिर जो डिज़ाइंस मेरी सिस्टर्स को अच्छे लगे आप उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लीजिएगा, और जब आपको अपनी फ्रॉक डिज़ाइन करवाना हो, फ्रॉक सिलाई करवाना हो, तो आप उन डिज़ाइंस को, उन फ्रॉक्स को देख के ईजीली अपनी फ्रॉक सिलाई करवा सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। अच्छा, जो मेरी बहनें खुद घर पर कपड़े सिलाई करती हैं उनको तो देखते ही आइडिया हो गया होगा कि इन फ्रॉक्स को कैसे सिलाई किया गया है। तो व्यूअर्स, आपको बताती चलूँ, ये जिनको सिलाई आती है उनके लिए बिल्कुल भी कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है इनको सिलाई करना। और जिन मेरी सिस्टर्स ने अभी नई नई सिलाई सीखी है या नया नया कपड़े सिलाई करने शुरू किए हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन उनको भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे अगर आप अपनी फुल तवज्जो जो है वो सिलाई पे देंगे। अच्छा, ये चीज़ जो है वो इंटरेस्ट पे बहुत मैटर करती है। जिन लड़कियों को इंटरेस्ट होता है सिलाई करने में, कपड़े सिलाई करने में, उनके लिए मुश्किल नहीं होती है, वो जल्दी सीख जाती हैं। और जिनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो जस्ट अपनी अम्मी के कहने पे कर रही होती हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जी, आप लोगों का सिलाई में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जी, हमारी मदर्स तो हमें कह कह के खप जाती हैं कि जी कपड़े सिलाई करना सीख लें, इवन के लगवा भी देती हैं किसी अच्छी टेलर के पास, लेकिन जब इंटरेस्ट नहीं हो तो वही बात, 10 दिन गए और 20 दिन नहीं गए और 5 दिन छोड़ दिया। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपकी मदर्स आपको सिलाई के लिए कह रही हैं तो आपने ज़रूर सीख लेने हैं। और जो मेरी बहनें जो हैं वो मैरिड हैं, उनसे पूछ के देखिए, वो कहती हैं कि हमें थोड़े बहुत ज़रूर सीख लेने चाहिए थे। तो जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपका आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी नहीं लगी है आप तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी नहीं लगी है वो भी मुझे बता दीजिएगा। तो जी, आप सबका वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जहाँ रहें, खुश रहें, शांत आबाद रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खुश रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आप किसी डिज़ाइन पे सिस्टर्स वीडियो वॉच करना चाहती हैं तो आप लोगों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।